जय लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की कथा सुनाऊं सुनो लगा कर ध्यान। माँ लक्ष्मी की कथा सुनाऊं सुनो लगा कर ध्यान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। माँ लक्ष्मी की कथा सुनाऊं सुनो लगा कर ध्यान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। एक पति पत्नी थे उनकी एक ही संतान। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। प्रिय भक्तों, आज आपको हम कथा सुनाते हैं गरीब की दिवाली। किसी शहर में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के बीच एक ही पुत्र था। उनका छोटा परिवार होते हुए भी वे गरीबी से बहुत ही परेशान थे। छोटा सा परिवार गरीबी से था बड़ा परेशान। ध्यान वो निस्दिन माँ का धरते, पति पत्नी संग पूजा करते। ध्यान वो निस्दिन माँ का धरते, पति पत्नी संग पूजा करते। रहने के लिए उनका था एक टूटा हुआ मकान। रहने के लिए उनका था एक टूटा हुआ मकान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। पत्नी दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन करती। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। पति का नाम श्याम, पत्नी का नाम राधा और पुत्र का नाम रामू था। श्याम गांव में जाकर के मजदूरी करता था और उसकी पत्नी राधा घरों में जाकर चौका बर्तन करती थी, तब ही उनकी गृहस्थी चल पाती थी। पति मजदूरी करके लाता तब ही गृहस्थी चलती। रामू पुत्र बड़ा ही प्यारा, पति पत्नी के आँखों का तारा। रामू पुत्र बड़ा ही प्यारा, पति पत्नी के आँखों का तारा। रामू अपने माता पिता का करता बड़ा सम्मान। रामू अपने माता पिता का करता बड़ा सम्मान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
माता पिता राम के पड़े बहुत बीमार। दोनों जब बीमार पड़े तो राम हुआ लाचार। दोनों जब बीमार पड़े तो राम हुआ लाचार। अचानक रामू के माता पिता बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। रामू दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है और उनको उनका हाल बताता है। डॉक्टर बिना पैसा लिए आने से मना कर देता है। दोनों जब बीमार पड़े तो रामू वाला चार। रामू अस्पताल में आया, डॉक्टर को सब हाल सुनाया। रामू अस्पताल में आया, डॉक्टर को सब हाल सुनाया। डॉक्टर बोला भाग यहाँ से, निकल जाने दे प्राण। डॉक्टर बोला भाग यहाँ से, निकल जाने दे प्राण। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। मंदिर देखा, प्रसाद वहाँ से पाया। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। जब निराश होकर के रामू अपने घर को आता है, तब रास्ते में उसे माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ जाकर वो प्रसाद लेता है और अपने घर आता है और प्रसाद अपने माता पिता को खिलाता है। तो भक्त जनों, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। प्रसाद लेकर रामू वापिस अपने घर को आया। उसको लेते ही प्रसाद आई माता पिता की याद। उसको लेते ही प्रसाद आई माता पिता की याद। माता पिता को खिलाने के लिए घर को किया प्रस्थान। माता पिता को खिलाने के लिए घर को किया प्रस्थान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। नए नए सब कपड़े पहने, खाए खूब मिठाई। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। रामू दीपावली के दिन अपने साथियों को सुंदर कपड़े पहने और मिठाई खाते देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और महालक्ष्मी माँ के मंदिर जाके माँ से कहता है, माँ अपने लोगों को इतना परेशान क्यों करती हो। देखा साथियों को तो रामू की आंखें भर आई। लक्ष्मी माँ के मंदिर आया, माँ के सामने आंसू बहाया। लक्ष्मी माँ के मंदिर आया, माँ के सामने आंसू बहाया। बोला महालक्ष्मी से गरीबों को क्यों करे परेशान। बोला महालक्ष्मी से गरीबों को क्यों करे परेशान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
का लड़का दौड़ सड़क पे आया, उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ का लड़का दौड़कर सड़क पर आ जाता है। कार उसको धक्का मारने ही वाली थी कि रामू दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। उसकी जान तो बच जाती है, पर रामू के पैर पर कार का पहिया चढ़ जाता है, जिससे उसका पांव टूट जाता है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। उसको बचाने के चक्कर में रामू चोट है खाया। रामू के पैर पे चढ़ गई कार, कार वाला हुआ फरार। रामू के पैर पे चढ़ गई कार, कार वाला हुआ फरार। पैर टूटा रामू का लड़के की बचाई जान। पैर टूटा रामू का लड़के की बचाई जान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। देखा दुर्घटना तो रामू के पास में आया। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। जैसे ही सेठ को ये सारी घटना के बारे में पता चलता है, वो दौड़ के वहाँ आता है और रामू को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ उसका इलाज होने के बाद उसे उसके घर वापस ले जाता है। सेठ बोला रामू से, मेरे बेटे को तूने बचाया। चल मैं तेरी दवा कराऊं, तुझको तेरे घर पहुँचाऊं। चल मैं तेरी दवा कराऊं, तुझको तेरे घर पहुँचाऊं। रामू को लेके रामू के घर सेठ किया प्रस्थान। राम को लेके रामू के घर सेठ किया प्रस्थान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। माता पिता को देख के सेठ बहुत घबराया। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। जब सेठ रामू को लेकर उसके घर पहुंचता है, वहां वो देखता है कि रामू के माता पिता भी बीमार हैं। फिर सेठ उनके माता पिता को भी ले जाकर उनका इलाज करवाता है और उन्हें उनके घर वापस छोड़ कर जाता है। रामू संग रामू के माता पिता की दवा करवाया। अच्छे डॉक्टर को बुलाया, तीनों का इलाज करवाया। अच्छे डॉक्टर को बुलाया, तीनों का इलाज करवाया। सेठ के रूप में महालक्ष्मी माँ हो गई मेहरबान। सेठ के रूप में महालक्ष्मी माँ हो गई मेहरबान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ।
स्वस्थ हुए तो सेठ रामू के घर आया। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। तीनों जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो सेठ एक दिन रामू के घर आता है और तीनों को रहने के लिए एक सुंदर मकान बनवाता है। सेठ रामू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और कुछ दिन बाद अपनी बेटी से रामू की शादी करवाता है। तो इस प्रकार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से रामू के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। तीनों को रहने के लिए एक सुंदर घर बनवाया। घर में खुशी का दिन है आया, नौकरी अपने यहाँ लगाया। घर में खुशी का दिन है आया, नौकरी अपने यहाँ लगाया। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी ने किया कल्याण। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी ने किया कल्याण। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। दीपावली को माँ महालक्ष्मी देती है वरदान। आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो लक्ष्मी।